टॉर्च ना खाना कल कोई बस बस बात नहीं बात है बस नहीं बचकू भरवानू आपणे शांति राख नहीं बचकू भरवानू ले अब दोस्तों एक वाटर स्नैक जिसको इंग्लिश में किल्बिक चैकर बोला जाता है दोस्तों ये सांप जिसमें किसी भी प्रकार का वेनम नहीं आता लेकिन ये सांप अगर काट लेता है तो इसके दांत इंसान की बॉडी में छोड़ देता है तो इंसानी बॉडी में अगर थोड़े दिन ज़्यादा ये दांत रह जाते हैं तो सड़न पैदा करते हैं तो किसी को अगर डायबिटीज है तो ऐसे बंदे के लिए ये सांप थोड़ा खतरनाक हो सकता है क्योंकि डायबिटीज़ वाले को गैंग्रीन होने की संभावना ज़्यादा रहती है और इसके दांत में वो जो थोड़े बहुत छोटे छोटे दांत है तो दांतों में थोड़ा बैक्टीरिया होता है तो बैक्टीरिया की इंसान को थोड़ी तकलीफ होती है तो दोस्तों इसको अभी हमने रेस्क्यू कर लिया है इसको हम जंगल में ले जाके छोड़ देंगे तो बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ जय हिंद जय भारत दोस्तों मोड़ासा विवेकानंद सोसाइटी जहाँ एक रोड के ऊपर एक सांप भाग रहा था तो हमने इसको अभी पकड़ा है तो पकड़ के अभी इसको सुरक्षित हम डिब्बे में पैक करके कल सुबह इसको सही सलामत इसको अपने जंगल में छोड़ देंगे तो दोस्तों ये सांप छिपकली को खाने वाला सांप है ये घर के सीधे दीवार पे भी चढ़ सकता है और ये काटने में माहिर है पकड़ते हैं तो वो अपने दांत शरीर में गड़ा देता है थोड़ा बहुत खून भी निकाल देता है लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का वेनम नहीं आता इसको हमारे लोकल लैंग्वेज में कोडियारा बोलते हैं और इंग्लिश में वुल्फ स्नैक जो छिपकली को खाने वाला और छोटे मोटे जीव जंतु को खाने वाला सांप है तो ऐसे प्यारे जीव जो हमारे प्रकृति के सफाई कामदार जिसको बोला जाता है छोटे मोटे जंतुओं को खा के जिंदा रहता है तो दोस्तों ऐसे प्यारे सांप अगर घर के आगे पीछे निकलते हैं तो दोस्तों इसको मारिए मत क्योंकि ये प्रकृति के लिए बहुत उपयोगी है ज़रूरी है हमारे पर्यावरण के लिए तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल अरवली के पन्ने के साथ जय हिंद दोस्तों कल संगीनी बंगलू से जो हमने एक चैकर का बच्चा पकड़ा था उसको हम ये फॉरेस्ट लेन में हम छोड़ने के लिए आए हैं तो इसको हम जाने देते हैं दोस्तों ऐसे प्रकृति के जीव जिसको बचा के हम सुरक्षित जंगल में छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं हम प्रकृति को और पर्यावरण को बचाने का जो हमारा अभियान है उसमें हम काम कर रहे हैं तो दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि ऐसे जीव अगर आपके घर के आगे पीछे आ जाते हैं तो उनको सुरक्षित जाने दीजिए इनको मारिए मत तो इनको हम अभी फॉरेस्ट लैंड जो हमारा जंगल है उसमें इसको छोड़ देते हैं तो ये अभी उसके पर्यावरण नेचर में चला गया दोस्तों कल विवेकानंद सोसाइटी के बाहर रोड के ऊपर ये भागता हुआ चला जाता था तो हमने इसको कैच कर लिया था तो इसको भी हम ये प्रकृति में हम जाने देते हैं तो इसको भी हम सुरक्षित छोड़ रहे हैं तो ये जीव जो अभी पर्यावरण जंगल में जा रहा है तो ये दोस्तों चला जा रहा है तो अभी धूप बहुत है तो इसको हम एक झाड़ के पास छोड़ देते हैं तो अभी नेचर में चला गया